माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मैंने एक दो क्लास लगातार लेने वाला हूं कुछ झूठी शिक्षाओं का खंडन करने के लिए, क्योंकि अनेकों लोग अज्ञानता के कारण ऐसे गुटों से जुड़ा हुआ है जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो सोच रहा है हम बाइबल सीख रहा है, बाइबल सीखने से स्वर्ग जाएगा। ये एक गलत सिद्धांत, गलत चीज शैतान के द्वारा दे रहा है। बाइबल का कुछ वाक्य सीखने से या बाइबल को जाकर के कुछ सीखने से आप स्वर्ग जाएगा, अन्य चीजें चाहिए नहीं, संस्कारों की जरूरत नहीं है, ये सिखाने वाले लोग। और चार शब्द सीखने के बाद, यहां वहां से कुछ सीखने के बाद स्वयं सिखाने वाला बनना, ये उससे भी बड़ा खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज। पेंटेकोस्टल कलीसियाएं 40,000 गुटों में क्यों बट गया, यही कारण है। सब अपना अपना सिद्धांत सिखाना शुरू किया। तो इस प्रकार सिखाने का जो मुख्य एक सिद्धांत जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो पकड़ा हुआ है, उसको सोला स्क्रिप्चुरा कहते हैं। सोला स्क्रिप्चुरा का मतलब, सोला मीन्स ओनली, केवल स्क्रिप्चर, केवल वचन, वचन में दिखना चाहिए। जो वचन में नहीं है वो मान्यता नहीं। ये बोलने वाला व्यक्ति स्वयं उसी में ही गलती कर रहा है। सब कुछ बाइबल में दिखाओ दिखाओ करके बोल रहा है, सोला स्क्रिप्चुरा बोल रहा है, वो उसी के अंदर ही गलत प्रमाणित हो रहा है। क्या है वो गलती? बाइबल के अंदर सोला स्क्रिप्चुरा एक शब्द है ही नहीं। बाइबल के अंदर वो शब्द है ही नहीं जिस शब्द को वो लोग सिखा रहा है। केवल बाइबल, जो बाइबल में लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये बाइबल के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है। इसका मतलब उन लोग जो सिखा रहा है उनका जो मुख्य टीचिंग वही है, बाइबल बाइबल, वो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। बाइबल कब मिला इसका मालूम होना चाहिए। बाइबल हमारे पास जो प्रिंट कर करके जो मिलना शुरू हुआ, मेरे विचार में हमारा भारत देश में प्रिंटिंग मशीन वगैरह कब आए, हिंदी बाइबल सब मिलना कब से शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ होगा? हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद हो रहा है, हो सकता है कहीं 500 वर्ष हो गया होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। उससे पहले चलो, ये बाइबल प्रिंट करना कब शुरू हुआ? बाइबल का प्रिंटिंग भी तो 15वीं सदी में हुआ, उससे पहले बाइबल कहीं प्रिंट होता नहीं था। बाइबल प्रिंट करने के लिए ही गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का खोज किया 1450 में। 1450 में जॉन गुटेनबर्ग ने जो लैटिनी वुलगाते बाइबल को प्रिंट करने के लिए
इसका खोज कर करके सबसे पहले दुनिया में प्रिंट किया हुआ किताब बाइबल है, वो लातिनी वुल्गाते बाइबल, कैथोलिक जो बाइबल है 73 बुक का वुल्गाते बाइबल, उसका प्रिंटिंग जॉन गुटेनबर्ग ने 1450 में किया था। वो प्रारंभ है, उस समय पर केवल वुल्गाते अर्थात लातिनी बाइबल का प्रिंटिंग मशीन। इसके बाद अनेकों सैकड़ों वर्षों के बाद हमारी भाषा वर में प्रिंट करना, हमारा भारत देश में सबसे पहले तमिल भाषा में मेरे को पढ़ने के लिए मिला है, प्रिंट हुआ था। इसके बाद ही अन्य भाषाओं में शुरू हुआ था। तो ये जो प्रिंटिंग मशीन आकर के इतने इतने साल हुआ, अभी बाइबल हाथ में मिल गया तो वो सोच रहा है ईसा मसीह ने ला करके दिया है। इसलिए मैं उस इतिहास में थोड़ा जाना चाहूंगा। कैथोलिक की कलीसिया इसीलिए कह सिखाते हैं, आधिकारिक रूप से बोलते हैं, सबसे पहले पवित्र परंपरा, आज का क्लास में उसी में रहूंगा, दूसरा है पवित्र बाइबल, और तीसरा है ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया। ये तीनों मिलाकर के कलीसिया को सिखाते हैं सुसमाचार का घोषणा करने के लिए। सबसे पहले परंपरा, पवित्र परंपरा, इसको समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह संसार में आकर के मौखिक रूप से ही सिखाया, शिष्य लोगों को चुना और उनको अधिकार दिया, वो जाकर के सिखाने के लिए बोला। उदाहरण के लिए लास्ट सफर के समय पर ईसा मसीह उनके सामने बैठ करके रोटी दाकरस लेकर के शरीर रक्त है बोल करके उन्हें दिया और इसको मेरे यादगारी में किया करो करके बोला, एक आदेश दिया, मौखिक आदेश दिया। ये कहीं बाइबल में लिखित में नहीं दिया था। हम लोग प्रेरितचरित्र अध्याय 2 के अंदर देखते हैं शिष्य लोग पेंतेकोस्त के तुरंत बाद जब कलीसिया बनना शुरू हुआ यही किया, मंदिर जाना, प्रार्थना करना और निजी घरों में प्रभु भोज मनाना शुरू किया। प्रतिदिन प्रभु भोज वहां मनाते हैं। इन पेंतेकोस्तल कलीसिया में क्या प्रतिदिन प्रभु भोज मनाते हैं? केवल कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह के उस समय से लेकर के प्रतिदिन जो प्रभु भोज मनाते आ रहे, अर्थात यूक्रिस्टिक मिस्सा बलिदान अर्पित करते आ रहे। प्रभु ने मौखिक रूप से बोला, शिष्य लोगों करते आया, शिष्य लोगों को प्रेरितों को करते हुए देखा, प्रेरित लोगों ने जिसको फिर अधिकार दिया वे लोग करना शुरू किया। ऐसा करते करते पेत्रुस के स्थान पर आज 266वां संत पापा है, फ्रांसिस, संत फ्रांसिस पापा, और वो भी वही अर्पित करते आ रहा है। ईसा मसीह से लेकर के एक परंपरा चलते आ रहा है। बारह शिष्यों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर के जो सिखाया, उनके चेले लोगों ने सुना, वे लोग भी सिखाना शुरू किया, मौखिक रूप से इस प्रकार सिखाना शुरू किया। इसे बाद में संत पौलुस को प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं दर्शन देकर के उन्हें भी ईसा मसीह ने प्रेरित बनाया, और वह स्वयं कहते हैं मैं किसी शिष्य से सुनकर के नहीं, ईसा मसीह से सुनकर के वो फिर सिखाना शुरू किया। एडी 58 या 60 में जाकर के पौलुस ने सबसे पहला एक पत्र तसलनियों को लिखा, बाइबल का जो नया विधान का पहला जो लिखा लिखित वाला जो भाग है वो तसलनियों को लिखने वाला एक लेटर है, लेटर खत भेजा। वो पत्र उस कलीसिया के लिए, तेसलिनियों के लिए, वहां का कलीसिया के लिए लिखा हुआ कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। उनका जो बिशप हम बोल सकते हैं प्रेरित था अपोस्टल संत पौलुस ने लिखा, वहां शुरू किया। वहां से नए विधान का जो आखिरी किताब जो अभी इसके अंदर है वो एडी 100 में जाकर के रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ एडी 100 में जाकर के कहीं वो रचना हुआ है। इस प्रकार अनेकों लोगों का रचना हुआ।
संत थॉमस का रचना है, संत याकूब का रचना है, गॉस्पल से है, ऐसा कई लोगों का मुझे पढ़ने के लिए मिला है। सौ सौ गॉस्पल्स लेटर्स उस समय पर था। इसको देख करके एडी 382 में, सुन लीजिए फिर से, एडी 382 में रोम में जब सिनड चल रहा था, उस सिनड में आने वाला संत अथनासियस, वो उस समय पर अलेक्जेंड्रिया का बिशप था, पैट्रियार्क था, उन्होंने बोला, उस सिनड के अंदर बोला, अनेकों परंपराएं चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है, गलत शिक्षाएं, इसी वजह से हमें उसका एक नियम बनाना है, कौन सा लोग सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक 27 किताबों का एक सूची वहां पर एडी 382 में रोमन सिनड में समर्पित किया। उस समय का संत पापा ने उसको स्वीकार किया और उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया, बाइबल जो पंडित लोग हैं उसके ऊपर स्टडी किया सबको। इसके बाद जाकर के 393 में वहां पर एक हिप्पो नाम का एक जगह पर काउंसिल हुआ, उस हिप्पो के काउंसिल में उसको बोला, हाँ इसको एक्सेप्ट करते हैं, 27 किताब सही है। इसके बाद 4 साल के बाद कार्तेज में तीसरा सिनड हुआ, कार्तेज थर्ड सिनड बोलते हैं, 397 में, 397 में तीसरा कार्तेज सिनड में उसको फिर से अनुमति दी, हाँ ये 27 किताब सही है। इसका मतलब उसके ऊपर पढ़ाई चलते जा रहे हैं। इसके बाद 419 में, एडी 419 में फिर से चौथी कार्तेज महासभा में फिर उसको पढ़ाई करने के बाद, हाँ ये 27 किताब सही है, ये नियम हुआ। इसके बाद आगे चल करके हम देखते हैं 1442 में फ्लोरेंस जो जो सिनड हुआ था, फ्लोरेंस में जो सिनड हुआ था, वहां पर भी ये किताबों को स्वीकार किया। और 1546 में हमें मालूम है उस समय पर ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ था, मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च के खिलाफ बगावत कर उस समय पर चर्च से निकला, और साथ ही साथ उनका ग्रुप फिर टूटने लगे। 46 आकर के कई ग्रुपों में फिर विभाजित हुआ उस उतना शॉर्ट पीरियड के अंदर, 15-20 साल के अंदर ही और कई टुकड़ों में ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया अपना अपना कलीसिया बनाना शुरू किया। तब 1546 में ट्रेंड में सिनड हुआ, वहां पर फिर से इन 27 किताब और जो पुराना नेम का जो 46 किताब जो है उसको 73 किताबों का ये बाइबल का अनुमति हुआ। और संत मार्टिन का कहना है और अनेकों जो संतों का कहना है, जब 397 में कार्तेज में एक फाइनल डिसीजन किया था कौन सा किताबें बाइबल का भाग होना है, वहां पर वो कैनन बन चुका है। वो कैनन का मतलब हो गया लॉक हो गया, ना इसके बाद कोई जोड़ सकता है ना कोई घटा सकता है। अर्थात 73 बुक्स का बाइबल का एक रूपरेखा 397 में कार्तेज थर्ड सिनड में ये निर्णय हो चुका है। इसके बाद ना कोई हटा सकता ना जोड़ सकता है। ये कैथोलिक चर्च ने जो परंपरा से आई हुई बातों को जो लिखा उसको स्वीकृति दिया। कैथोलिक चर्च ने 397 में 73 किताबों का लिस्ट जारी कर ये बाइबल का भाग रहेगा ये निर्णय किया। ये बाइबल क्या है?
बाइबल का मतलब है वो जो ट्रेडिशन में आए हुए चीजों को लिखा हुआ, रिटन ट्रेडिशन कहते हैं स्क्रिप्चर को। अभी ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन है अनरिटन स्क्रिप्चर है। रिटन ट्रेडिशन को यदि स्क्रिप्चर कहते हैं, अनरिटन स्क्रिप्चर को हम ट्रेडिशन कहते हैं। ईसा मसीह ने जो ट्रेडिशन उनको दिया वो उस समय से चल करके आ रहा है और ट्रेडिशन से बाइबल को स्वीकार किया। तो इसका मतलब पहले बाइबल नहीं, पहले पवित्र ट्रेडिशन। इसलिए कैथोलिक चर्च ट्रेडिशन को महत्व देता है और कलीसिया के अंदर ऐसे महान महान संतों का जो लिखित कई पत्र, कई किताबें हैं, बहुमूल्य किताबें, किस किस प्रकार आदिम कलीसिया चलते थे, कैसे बपतिस्मा चलता था, कैसे कन्फेशन चलता था, ये सब प्रमाण कलीसिया में ट्रेडिशन में है और ट्रेडिशन में चल करके आ रहा है। तो ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया ट्रेडिशन के खिलाफ जो बोल रहा है वो अपने आप में धोखा दे रहा है, क्योंकि ये जो बाइबल ट्रेडिशन से आया है। अभी ट्रेडिशन से बाइबल आने के बाद क्या वहां पर उसको समाप्त करना है? बाइबल क्या कहते हैं? मैं उसके लिए योहन का सुसमाचार सबसे पहले अध्याय 20 वाक्य 31 को पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 20:31, इनका विवरण ही दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और उसमें विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। बस उतनी ही बात लिखा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। और योहन ने अध्याय 21 उसका वाक्य 25 के अंदर सबसे लास्ट में ईसा ने और भी बहुत कार्य किए हैं जो इसके अंदर सब कुछ नहीं लिखा है बोल रहे। इसका मतलब ट्रेडिशन में है। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समा पाती। उतना अधिक कार्य प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हुआ है, सिखाया है, वो सब कुछ बाइबल के अंदर नहीं है। ट्रेडिशन में बता करके दे रहा है, वो आपको सुनना है। अभी सुनना है कि नहीं उसको भी थोड़ा देख लीजिए। संत पौलुस स्वयं क्या कहते हैं? फिलिपियों का पत्र खोलना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 सबसे पहले 3:17, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस ये नहीं बोले जो पत्र लिखकर के दे रहा हूं उसी में रहना। संत पौलुस बोले मेरा अनुसरण करो, मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया है, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहे। जो नमूना दिया है, जिस प्रकार जीवन जी करके, जिस प्रकार प्रार्थना करके, जो मौखिक रूप से जो बता करके दिया उसको सुनना है। अध्याय 4:9 को भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा। देखो, देखने वाले बातें लिखा नहीं है, सुना देखा, उसके अनुसार आचरण करे। इसी को ही ट्रेडिशन बोलते हैं। ईसा ने बोला इसको मिसा अर्पित करना, शिष्यों ने सुना उसको किया, उनके चेलों ने सुना उसको सुना, 2000 साल से आ रहा है। कौन सा नियम लिखकर कर रखा था? आदिम कलीसिया में बपतिस्मा दिया। पेत्रुस का एक भाषण सुनकर के 3000 कलीसिया में शामिल हुआ। कौन सा कानून लिखा हुआ था उस समय पर? बपतिस्मा, डुबकी लगाना है या पानी डालना है, क्या करना है? शिष्यों ने नियम बनाया, शिष्यों ने नियम बनाया। और ईसा मसीह ने शिष्यों को किस प्रकार दिया, बपतिस्मा किस प्रकार दिया था, उसको देखा, उसको सुना। इसके बाद वो मौखिक रूप से देते जा रहे, उनको देख करके आगे लोग देख रहे।
तो कैथोलिक कलीसिया में 2000 वर्षों से जो तरीका है जिसे बच्चों को दे रहा है, नियम है हमारे पास, आदिम कलीसिया से बच्चों को बपतिस्मा देने का सबूत है, तभी तो दे रहा है। जो बाइबल में दिखाओ, बाइबल में दिखाओ, दिखाने से भी नहीं मानेगा। पूरे परिवार को दिया, मैंने कई क्लास ले चुका है, बच्चों को क्यों बपतिस्मा दे रहा है, बाइबल में दिखा, पूरे परिवार को दिया। कॉर्नेलियस के घर में गया, वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, कॉर्नेलियस को उसके परिवार को दिया, कॉर्नेलियस को और उनके पत्नी को दिया करके लिखा। पूरे परिवार का मतलब है बच्चे से लेकर के बड़ों तक। जब कतने का नियम था 8 दिन, जो जन्म लेकर के 8 दिन हुआ उनसे लेकर के 100 साल का बुढ़ा जो अब्राहम तक का, सबों को खतना दिया, केवल बड़े लोगों को नहीं, नियम था उसके अनुसार दे रहा है। तो मौखिक रूप से करना है, मौखिक रूप से करने का और परंपरा को पालन करना, अनेकों जगहों पर लिखा है। कुरिंदियों का पहला पत्र दिया है 11:1-2 में भी परंपरा के अनुसार चलने के लिए कहा। गलातियों का पत्र दिया है 4:12 में भी लिखा है परंपरा के अनुसार चलना है। तसलीनियों का पहला पत्र दिया है 4:1-2 में, 7 में, दूसरा तसलीनी 2:15 में, तिमत्ती का दूसरा पत्र दिया है 1:13-14, 2:2, अनेकों जगहों पर। और एक वाक्य मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, तीतुस को लिखते हुए संत पौलुस क्या कहते हैं, तीतुस उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं वहां पर, 9 तीतुस का पहला तीतुस का पत्र 1:9 वहां पर लिखा है, वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे। परंपरा को नहीं मानना है ये बोला है, परंपरा पर चालो कर लेकर रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। इसलिए मैं क्लास बार बार ले रहा हूं, इस प्रकार 16 स्क्रिप्चरा बोल रहा है, परंपरा को नहीं चाहिए, ट्रेडिशन नहीं चाहिए, ये बोलने वालों को मुंह बंद करने के लिए ही ये सब क्लास के द्वारा बता करके दे रहा है। ईसा मसीह ने मेरी स्मृति में किया करो बोला है केवल, और उसका अनुष्ठान आज तक चलते आ रहा है। पाप क्षमा करने का अधिकार मौखिक रूप से दिया है, योहन का सुसमाचार दिया है 20:23 के अंदर, आज भी वो चल करके आ रहा है। इसके बाद उसका कैनून वगैरह बनाना वो अलग है। ईसा मसीह ने वहां का, इसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 19:18-19 में हम लोग देखते हैं वहां पाप स्वीकार चल रहा है। और दूसरा कुरिंथी अध्याय 5 के अंदर संत पौलुस स्वयं कहते हैं, हाँ ये पाप स्वीकार करने के, मेल मिलाप करने का अधिकार हमें मिला है, हम प्रेरितों को मिला है, पुरोहितों को मिला है, हमें उसको मानना है। लेकिन नहीं, हम परंपरा हम नहीं मानेंगे, बाइबल में लिखा है उसको भी नहीं मानने का, ये बोलने वाला झूठी शिक्षा, इस प्रकार झूठी शिक्षा। तो परंपरा हम देख रहे हैं करीब 1000-1500 वर्षों तक परंपरा के अनुसार, ये जो बाइबल 73 किताबों का कार्तेज में 397 में पारित हुआ, इसके बाद बाइबल कहाँ है, पपीरस के पत्ते में या चमड़े में लिख रखता था। आपको मालूम होना चाहिए कितना महंगा रहता है। मैं हाल ही में एक पपीरस वाला, जब होलीलैंड गया था, पपीरस का एक फोटो खरीदा, वहां पर उसके लिए कितना 1500 रुपया मुझे देना पड़ा, और उसका फ्रेम करने के लिए यहाँ आया तो उसमें भी फिर 1500 लग गया, 3000 लग गया एक छोटा सा तस्वीर पपीरस में जब लिया। पपीरस में ये बाइबल लिखेगा तो इसका मतलब कितने लाखों का होगा। उसी प्रकार चमड़ा,
एक छोटा सा चमड़े का पर्स ले लो, कितना का है। तो एक एक अध्याय लिखने वाला ये जो चमड़े का जो पत्र है उसका कितना कीमत होगा। तो आदिम कलीसिया में केवल शिक्षा देने को बिशप के पास धर्म प्रांत में एक बाइबल कहीं होगा, वहां से सुन करके अन्य लोग सिखा रहे, इवन पुरोहित के हाथ में नहीं। बाद में प्रिंट होने के बाद तब भी कैथोलिक चर्च उसके ऊपर स्ट्रिक्ट था, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं, बाइबल नहीं है, थियोलॉजी नहीं है, फिलोसफी नहीं है, इसलिए अपना मनमर्जी का सिखाएगा। इसलिए कैथोलिक चर्च आज भी उस बात पर स्ट्रिक्ट है। जो कलीसिया से मिल रहा है उसको हमें सीखने की जरूरत है। एक और बात बोलना चाहूंगा, जो 16 स्क्रिप्चरा बोल रहा है बाइबल के अंदर ही दिखाओ दिखाओ, उनके सामने में एक क्वेश्चन, उनका जो झूठी शिक्षा का पर्दाफाश ऐसा कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला है बाइबल के अंदर कहीं भी 16 स्क्रिप्चरा, ओनली बाइबल, बाइबल के अंदर ही जो लिखा वही मानना, कहीं भी लिखा है थोड़ा सा बताइए। दूसरी बात, प्रेरित चरित अध्याय 20 का वाक्य 35, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35, जी हाँ 20:35 मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 एक चैलेंज है, जितने भी 16 स्क्रिप्चरा बोने वाला जो पेंटेकोस्टल कलीसिया के लोग हैं, आपके सामने चैलेंज है, इसका उत्तर देना। पढ़ रहा हूं, मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी चाहिए, परिश्रम करते हुए दुर्बल गरीबों का सहायता करनी चाहिए, और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए। इसका मतलब ईसा मसीह ने कुछ बोला है कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुगत है। फिर से पढ़ना है क्या? ध्यान से सुन लीजिए 16 स्क्रिप्चरा वालों, यहां पर लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 35 में, प्रभु ईसा मसीह के कथन आपको स्मरण रखना है। कहां है वो कथन? लेने की अपेक्षा देना अधिक सुगत है करके ईसा मसीह ने कहां कहा? 4 सुसमाचार है, आप थोड़ा मेरे को दिखा दीजिए, चैलेंज है। दूसरा, जूड का एक ही अध्याय है वाक्य 9 में, जूड वहां पर बहुत ही सुंदर एक और तर्क है, ये पुराने विधान से, जूड चैप्टर 1 वाक्य 9, वहां पर किंतु जब महादूत मिखाएल सैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर ले जा लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे। कहां लिखा है गणना? मूसा का मृत्यु के विषय में, मूसा को दफनाने के विषय में और इस संघर्ष के विषय में यहां यूदस ने लिखा, ये कहां से है थोड़ा आप बताइए, बाइबल में दिखाइए। एक और छोटा सा नए विधान का निकाल देते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर बहुत ही सुंदर एक और वचन है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 जहां ईसा मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी कर रहा के विषय में 23, मैथ्यू चैप्टर 2:23 वहां पर लिखा है, वहां वह नासरत नामक नगर में जाकर के बसा। ईसा मसीह हमें मालूम है नासरत में जाकर के अपने माता पिताओं के साथ जाकर के रहा, उसके विषय में जब मिस्र देश के भागने के बाद वापस लौट करके आने का वहां है वो गढ़ना। इसके बाद इस प्रकार नबियों का एक कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। कौन सा नबी ने कहां कहा था
कि ये नासरी कहलाएगा, ये थोड़ा बताइए बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में आपने थोड़ा दिखाइए ये कहां लिखा है, ये कदन पूरा हुआ करके लिखा है, पूरा कौन सा कदन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा, ये कहां लिखा है थोड़ा सा बताइए, ये चैलेंज है। क्योंकि मैं बोलूंगा ये जो तीन आपके सामने मैंने रखा है तीनों परंपरा से लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहां पर नया विधान के अंदर ये लिखा है परंपरा चल रहा है, ऐसा परंपरा है, इसलिए वो परंपरा को हमें सबसे पहले मानने की जरूरत है, इसलिए कैथोलिक रशिया बोल रहा है। यदि आप परंपरा नहीं मानते हैं तो इन तीन शब्द कहां से उठाया ये थोड़ा बताइए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अगला क्लास में बाइबल के विषय में और बताकर दूंगा, ये जो झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है उसको हमें समाप्त करना है, लोगों को बचाने का कार्य मैं कर रहा हूं, ऐसा गलत धारणाओं में जाकर के गलत गुटों में गलत लोगों के साथ रहकर लोग नष्ट हो रहा है, स्वर्ग राज्य नष्ट हो रहा है, इसलिए उनको बचाना मेरा कार्य है। इसलिए पवित्र परंपरा को सिखाने वाला, पवित्र परंपरा के अनुसार जीने वाला कलीसिया पर हमें विश्वास करना है, वो प्रभु का आदेश है, बाइबल का लिखा हुआ आदेश है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कैथोलिक कलीसिया के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, संतो पापा के लिए, कलीसिया से हम लोगों को जो परंपरागत टीचिंग मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। माता मरियम का आदर करने के विषय हो, स्टैचू रखने के विषय में हो, या बपतिस्मा देने के विषय में हो, या सात संस्कारों का विषय में हो, हमें परंपरागत रीति से मिला हुआ खजाना है। पवित्र त्रित्व के विषय में हो, ट्रिनिटी शब्द बाइबल में नहीं है लेकिन त्रित्व में विश्वास करते हैं क्योंकि परंपरा से हमें वो सीख मिला है। निर्णय कीजिए कलीसिया जो सिखाएगा उसके ऊपर हम चलेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।